बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहीन अख्तर है और मैं एक फैमिली एंड रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, चेयरपर्सन बिनते हव्वा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये पाकिस्तान में एक नया नाम है और मैं पिछले 4 साल से बिनते हव्वा फैमिली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। सबसे पहले तो मैं शाहिद मेमन साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका दिया, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मेरी शाहिद साहब से और इन प्यारे लोगों से नई मोहब्बत है, अभी पुरानी नहीं हुई है। क्योंकि अभी जस्ट 6 महीने ही पुराने इस मोहब्बत के हुए हैं, अभी ताज़ा नई सी मोहब्बत है। इसीलिए शाहिद साहब शायद नगमे का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो मोहब्बत जब नहीं होती है तो उसके रंग अंदाज भी निराले होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं, बाद में फिर होते हैं तो वो फिर और रंग निकालते हैं। तो जुलाई में गालबन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे, तो मैं किसी रेफरेंस से वहाँ पर गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ जाके मैंने कहा, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम इसको डिसेबल के बजाय हम इसको लवेबल कहें तो ये ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी अपनाइत, जितने रंग मुझे यहाँ पर नज़र आए, अब यकीन कीजिए मैंने और कहीं नहीं देखे। क्योंकि मैंने पाकिस्तान के भी तकरीबन बहुत सारे शहर देखे हैं और हर तरह के रंग देखे हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारा तरह के रंग देखे हैं। तो अब यकीन कीजिए कि मुझे जो रंग, जो मोहब्बत, जो अपनाइत, जो एहसास, जो दर्द मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, मुझे और वो कहीं महसूस नहीं हुआ। आप सब लोग, बल्कि आप या हम सब लोग, हम सब बराबर हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। आपको पता है कि मुआशरे में इस वक्त जितनी भी इस वक्त मसाइल हैं, उसमें नंबर 1 पे नफसियाती और रूहानी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और उन नफसियाती और रूहानी मसाइल की चंद 2-3 वजूहात हैं, उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है एहसास। रिश्ते जो हैं वो एहसास उसकी गजा है। एहसास, केयर, मोहब्बत, अगर रिश्तों को मोहब्बत और एहसास नहीं मिलेगा ना, ये तो ये पौधों की तरह मुरझा जाएंगे। और इस वक्त जो भी नफसियाती और रूहानी मसाइल हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, उसकी वजह, बुनियादी वजह वो यही है कि इनको एहसास की वो खुराक नहीं मिल रही, वो खाद नहीं मिल रही, इनको वो मोहब्बत की वो, जिसे कहते ना कि आबियारी नहीं मिल रही। तो इस वजह से आजकल जो रिश्ते हैं वो तन्हा हो गए हैं। आजकल के रिश्ते जो हैं वो एक तन्हाई का शिकार हो गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो लवेबल फाउंडेशन है, ये वो जगह है जो हम में एहसास पैदा करती है, जो हम में मोहब्बत पैदा करती है, जो हमें साथ रहने का, साथ जुड़ने का, एक दूसरे को समझने और समझाने का एहसास पैदा करती है। तो मैं ये समझती हूँ कि और फिर जब मैं वहाँ पे जुलाई में आई, मैंने वो 3 दिन मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और वहाँ आके मैंने शाहिद साहब से ये वादा किया कि मैं, क्योंकि रिश्तों को जोड़ती हूँ प्यार से, मोहब्बत से, हमदर्दी से, तो अगर मेरी वजह से, मेरी कोशिश से, मेरी काबिश से, अगर मैं आपके साथ मिलके कुछ रिश्तों को जोड़ सकूं, कुछ रिश्तों की आबियारी कर सकूं, किस रिश्तों को मैं दर्द का, मोहब्बत का मैं खाद डाल सकूं, तो मेरी सर्विसेज पाकिस्तान लवेबल फाउंडेशन के लिए फ्री हैं। 0301-510-2008 अगर आपके रिश्ते, 0301-510-2008 अगर आपके कुछ नफसियाती मसाइल हों, रूहानी मसाइल हों, मुआशरती मसाइल हों, और आपको कोई गाइड करने वाला ना हो और वजह समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे अपनी बहन समझें, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आप मुझे अपने साथ पाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर मैं हूँ तो आप हैं, अगर आप हैं तो मैं हूँ, क्योंकि हम, अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ही ऐसा बनाया है, हम लोग एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं।